तकदीर का खेल। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। ऐसी ही डॉक्टर भाइयों की कहानी यहाँ बताई जा रही है, जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया ही पलट गई। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे, जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसी अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में मैं वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की, साजिश रची, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्द ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की खाक को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर दुकान सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित फड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत हुआ रंग से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ।
पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई लगा सकता नहीं। हाँ, इतना है जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब